फाइंड द मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दो नंबर्स दिए हुए हैं, चलो अलग अलग बनाते हैं। सबसे पहला नंबर है जेड इज इक्वल टू वन प्लस आयोटा डिवाइड बाई वन माइनस आयोटा, एंड डिनोमिनेटर से हमें आयोटा को हटाना है तो वन प्लस आयोटा से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना होगा। क्या होता है, वन माइनस वन प्लस टू आयोटा डिवाइड बाय वन प्लस वन, दैट इज इक्वल टू टू आयोटा डिवाइड बाय टू, दैट इज इक्वल टू जस्ट आयोटा, जेड इज इक्वल टू आयोटा। जो नंबर हमें मिला है ये सिर्फ आयोटा है, हमें निकालना क्या है इसका, मॉड्यूलस ऑफ जेड, मॉड्यूलस ऑफ जेड इज इक्वल टू वन, आर्ग्यूमेंट थीटा, थीटा क्या होगा, बिना कुछ किए इसको बता सकते हैं पाई बाय टू, ये वाई एक्सिस के ऊपर रहेगा एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ रहेगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ रहेगा, तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाय टू एक बार में लिख सकते हो। सेकेंड पार्ट, वन डिवाइड बाय वन प्लस आयोटा, इसको वन माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा, वन माइनस आयोटा दिस इज इक्वल टू वन माइनस आयोटा डिवाइड बाय टू, दैट इज इक्वल टू वन बाय टू माइनस आयोटा डिवाइड बाय टू। मॉड्यूलस क्या होगा, वन बाय फोर प्लस वन बाय फोर इसका स्क्वायर रूट, दैट इज इक्वल टू वन डिवाइड बाय स्क्वायर रूट टू, एंड थीटा, थीटा इज इक्वल टू tan inverse minus half divided by plus half, that is equal to tan inverse minus 1, और कौन सा, cos theta positive है, sin theta negative है, fourth quadrant में value लेना होगा, यानी कि 2 pi minus pi by 4, that is equal to 7 pi by 4।